हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर से दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आए हैं जो रिपीटेडली बहुत बार आए हुए हैं। तो पर्पस यही है कि आज हम इसको करें अच्छे से, ठीक है जी। अगर आपको आते हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेके खुद से कोशिश कर लीजिए, नहीं तो मैं जैसे सॉल्यूशन करा रहा हूँ आपको उससे आप देख लीजिए, ठीक है जी। तो ये दो क्वेश्चन करने से पहले मैं क्लासेस में भी आपको कई बार बताता हूँ कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पता होने चाहिए। जैसे अगर मैं कहूँ 1 + 2 + 3 up to n, इसे हम क्या बोलते थे, सम ऑफ n नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। लिख लीजिए, आप लिखना चाहते हैं सम ऑफ n नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, क्या फॉर्मूला होता है, n(n+1/2। जैसे अगर मैं कहूँ 1 + 2 + 3 up to 10 निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा, जल्दी बोलो, n(n+1/2, यानी कि ये जो सम होगा ये क्या होगा प्यारे बच्चों, 55 होगा। नॉर्मल भी ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं आपको। अच्छा, ये तो हो गया सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का सम, ठीक है। एक होता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, बताओ क्या फॉर्मूला होता है, शाबाश, n(n+1)(2n+1)/6। ये बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, बहुत रिपीटेडली यूज होते हैं ये। इसी तरह से अगर मैं कहूँ सम ऑफ क्यूब्स ऑफ एन नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो बताओ शाबाश, वो होता है n(n+1)/2 और उस पूरे का स्क्वायर। बहुत जगह पे मैथमेटिक्स में कई ऐसी सिचुएशन आती हैं जहां पे ये तीन फॉर्मूले रिपीटेडली बहुत बार यूज होते हैं। आप इसे अच्छे से याद कर लेना, अगर आप कभी कहोगे तो डेरिवेशन भी करा दूंगा मैं इसकी, लेकिन फिलहाल के लिए आप इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। आइए, तो ये जो दो क्वेश्चन है इनमें यही कुछ फॉर्मूले लगने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। वन वन कितनी बार है, देखो वन टाइम ही है ना वन तो। अच्छा, टू कितनी बार है, देखो टू टू टाइम्स लिखा हुआ है, थ्री थ्री टाइम्स लिखा हुआ है, फोर फोर टाइम्स, आपने ये पैटर्न पढ़ लिया, फाइव फाइव टाइम्स है, सिक्स सिक्स टाइम्स है, सेवन सेवन टाइम्स है। वैसे अगर मैं आपसे एवरेज की बात करूं, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल आइटम्स, है ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस भी कह सकते हो, सम ऑफ ऑल आइटम्स भी कह सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैंने बहुत बार डिस्कस किया। तो अब यहां पे अगर मेरे को इसकी एवरेज निकालनी है तो सबको मुझे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये आएगी, मान लो कभी ये सात सात बार है, आठ आठ बार है, नौ नौ बार होता, कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता, दस दस बार होता, पचास पचास बार होता, इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाता, तो आप नॉर्मल इनको ऐड करते नहीं। तो वो आज हम ट्रिक सीखने वाले हैं, वो तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि ट्रिक क्या होती है, लेकिन पहले एक बार मेथड जरूर समझा देता हूँ। देखो वन एक बार है, अच्छा दो को दो बार ऐड करो, 2 + 2 कितना होता है, चार होता है। दो को अगर मैं दो बार ऐड करूं उसको क्या मैं दो का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। अच्छा, तीन को अगर तीन बार ऐड करूं तो नॉर्मल सिचुएशन में तो हर कोई कहेगा 9 आया, तो 9 exactly 3 का स्क्वायर है। मतलब कोई भी नंबर अगर उतनी बार ही ऐड हो रहा है तो उसका आप स्क्वायर भी कर सकते हो, है ना। चार को आप चार बार ऐड करो, एग्जैक्टली वो 4 का स्क्वायर है। तो ऊपर जो सम ऑफ ऑल आइटम्स आना है एग्जैक्टली में ये 1² + 2² + 3² up to, इस क्वेश्चन में तो चलो 7² है, मान लो वो हजार तक लाख तक भी हो जाता तो हम क्या ऐसा सोचते। अभी मैं एन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिराइव करा रहा हूं, तो मान लो ये एन टर्म्स होती तो एन स्क्वायर होता ऊपर, मतलब एन एक टर्म एन बार होती तो ऊपर एन स्क्वायर होता। अच्छा, नीचे आता नंबर ऑफ टर्म्स, मानते हो नंबर ऑफ टर्म्स, देखो कैसे निकालेंगे, एक एक बार है, दो कितनी बार है, दो बार है, तो उसको दो बार काउंट करेंगे इसलिए दो लिखा, दो को दो बार काउंट करेंगे इसलिए दो लिखा, क्योंकि नंबर ऑफ आइटम्स नीचे आता है, उनका तो सम तो ऊपर आता है, नीचे नंबर ऑफ आइटम्स नीचे आता है। तीन तीन बार ऐड करेंगे तो 3 नंबर ऑफ टर्म्स है। इस तरह से जो nth टर्म है, यहाँ पे तो nth टर्म 7 है, वो n बार ही तो है, तो वो n लिख दिया हमने। तो लॉजिकली अब फॉर्मूले लग रहे हैं आपके जो मैंने आपको सिखाया, ऊपर सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, क्या फॉर्मूला होता है, n(n+1)(2n+1)/6, और नीचे सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू
एन प्लस वन बाय टू, अब टू थ्री जा सिक्स तो ये कट गया, और क्या कट गया, एन इंटू एन प्लस वन से एन इंटू एन प्लस वन भी कट गया, तो काट पीट के आपका क्या आया, टू एन प्लस वन बाय थ्री, क्या आया, ये एवरेज आया। किस तरह की सीरीज की एवरेज, इस तरह की सीरीज, जैसे वन वन बार है, टू टू बार है, सेवन सेवन बार है। इस क्वेश्चन में जो हमारी ट्रिक में टू एन प्लस वन बाय थ्री तो ट्रिक बन गई, इस क्वेश्चन में एन की वैल्यू क्या लूंगा, जल्दी बोलो, सेवन लूंगा, टू इंटू सेवन प्लस वन बाय थ्री, दो सदे चौदह और एक पंद्रह बटे तीन पांच। अगर आप बिना शॉर्टकट के ऐसे सिंपल आप सेवन स्क्वायर तक लिख लेते ऊपर और नीचे सात तक लिख लेते तब भी फाइव ही आना था, लेकिन अब आपको ट्रिक पता लग गया तो आप ट्रिक ही लगाओ ना फिर। अगर मैं आपको कहता ट्रिक क्या हुई इस तरह की सीरीज की, टू एन प्लस वन बाय थ्री, ठीक है, एवरेज निकालने की जो ट्रिक हुई, क्या हुई प्यारे बच्चों, टू एन प्लस वन बाय थ्री। तो अगर मैं इस तरह का क्वेश्चन यूं कहता, अभी इसका आंसर तो पांच है, ठीक है, ध्यान रखना, इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा मैं, अब मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं ये क्वेश्चन, मतलब ये लिखा होता आठ आठ बार, एक दो तीन चार पांच छ सात और आठ, आठ कितनी बार हुआ, एक दो तीन चार पांच छ, अब वन से शुरू है, वन एक बार, दो दो बार, तीन। अब इस तरह की सीरीज की मैं आपसे एवरेज पूछता, तो अब आपके पास एग्जाम में डायरेक्ट ट्रिक क्या है, क्या है, एन की वैल्यू एट है, अब टू इंटू एट प्लस वन बाय थ्री, तो दो अट्ठे सोलह और एक सत्रह बटे तीन, तीन पंजे पंद्रह, पांच सही दो बटे तीन, पांच पॉइंट छ छ हो गया। और यही अगर मैं आपको दस तक कहता तो, मतलब जो टेंथ नंबर है टेन टाइम्स लिखा होता। ट्रिक क्या है आपकी, टू एन, एन की वैल्यू क्या है, टेन प्लस वन बाय थ्री, इक्कीस बटे तीन, एवरेज आ जाती सात। किसकी एवरेज आ जाती, इस तरह की सीरीज की जिसमें वन वन बार है, टू टू बार है, थ्री थ्री बार है, फोर फोर बार है, फाइव फाइव बार है ना, टेन टेन बार है। बोलो समझ आया, अगर इस तरह का क्वेश्चन होता तो सात आंसर होता। अच्छा, ओरिजिनल क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या था जब सेवन था, टू एन, टू इंटू सेवन फोर्टीन प्लस वन फिफ्टीन बाय थ्री, फाइव हो जाता हमारा आंसर। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, हमारा सेकेंड क्वेश्चन जो है, वन स्क्वेयर प्लस टू स्क्वेयर प्लस थ्री स्क्वेयर अप टू टेन स्क्वेयर की वैल्यू दे रखी है। अगर ये ना भी दी होती तो तब भी हम कर सकते थे। क्वेश्चन क्या है, टू स्क्वेयर प्लस फोर स्क्वेयर प्लस सिक्स स्क्वेयर अप टू ट्वेंटी स्क्वेयर, ठीक है। अगर ये हमें वैल्यू ना दे रखी होती, ये वन स्क्वेयर टू टेन स्क्वेयर तक की वैल्यू ना दे रखी होती तब भी हम कर पाते। चलो कैसे कर पाते, आइए, टू स्क्वेयर प्लस फोर स्क्वेयर प्लस सिक्स स्क्वेयर अप टू ट्वेंटी स्क्वेयर, ये हमें सम निकालना है। तो बहुत सारी बुक्स में ऐसे भी दिया हुआ है, लेकिन वो पूरा पूरा फॉर्मूला लगा के करते हैं, लेकिन हम कैसे कर सकते हैं, हम थोड़ा सा अगर मैं दिमाग लगाऊं यहाँ पे, अगर आप ब्रैकेट लिखना चाहते हैं हर टर्म के साथ लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। आइए ध्यान से देखो, ये टू है, इसको मैं क्या टू इंटू वन का स्क्वेयर लिख सकता हूँ, और ये जो फोर है इसको मैं टू इंटू टू का स्क्वेयर लिख सकता हूँ, इसका सबसे छोटा मेथड ही करा रहा हूँ। इस सिक्स को टू इंटू थ्री का स्क्वेयर लिख सकता हूँ, इस टेन को मैं टू इंटू टेन का स्क्वेयर लिख सकता हूँ। अब ध्यान से देखो, हर एक टर्म में क्या चीज ऐसी है जो हर एक टर्म में है, टू स्क्वेयर, टू और स्क्वेयर भी है, बच्चे भूल जाते हैं स्क्वेयर, टू और स्क्वेयर भी है, टू और स्क्वेयर भी है, हर टर्म के साथ टू स्क्वेयर तो अटैच है। तो मैंने क्या किया, टू स्क्वेयर कॉमन ले लिया, तो अब अंदर क्या बचा, ध्यान से देखो, वन स्क्वेयर प्लस टू स्क्वेयर अप टू, जल्दी बोलो, टेन स्क्वेयर। अब एग्जाम में या तो वन स्क्वेयर से टेन स्क्वेयर तक का सम दिया होगा, जैसे इसमें तो दिया हुआ है, चलो नहीं भी दिया हो तो आप निकाल सकते हो, किस फॉर्मूले से निकाल सकते? चलो ये टू का स्क्वेयर तो ये फोर हो गया, ये कैसे निकालोगे आप, अगर मान लो ये 385 सम ना दिया होता तो ये कैसे निकालते, कौन सा फॉर्मूला बताया था, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय सिक्स, सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम वन। तो एन इंटू, मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, मैं 385 का डायरेक्ट यूज नहीं कर रहा, मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि अगर ये भी ना आता तो आप कैसे करते, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन, टू एन, एन की वैल्यू क्या है, टेन, तो टू एन ट्वेंटी प्लस वन ट्वेंटी वन, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय सिक्स, तो दो तिया छ होता और दो दुनी च,
चार होता और तीन सते 21 होता और सात दुनी 14 होता और 14 इंटू 10 140 होता और 140 इंटू 11 अब आप कर लीजिए तो 140 इंटू 11 हमारा हो गया 1540। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 1540 आप कर लीजिए ना, 11 चौक 44 हो गया, फिर चार कैरी जाएगा, 11 एकम 11 और चार 15 हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 1540। इस क्वेश्चन में मैंने आपको ऑप्शन दे दी, इसमें नहीं दी, ऑप्शन तो आपको एग्जाम में मिलेंगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल का नाम है कमल हितेश बजाज एप्टीट्यूड, इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबा देना। और हमारे कुछ फेसबुक पेज भी हैं, मैथ्स बाय कमल बजाज, इंग्लिश बाय हितेश बजाज एंड बजाज कोचिंग सेंटर, आप उनको भी लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपके डाउट भी आ रहे हैं तो जैसे बच्चे भेज रहे हैं 9034064864 इस नंबर से आपको जीके की स्लाइड से मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।